नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड एसएससी के द्वारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है जो कि व्हाट्स न्यूज सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे व्यू ऑल पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे दोनों आपको नोटिस दिखेगा दोस्तों। एक देख सकते हैं एडिशनल रिजेक्शन लिस्ट का एक नोटिस आया है जो कि आपका है JMM, जो JMSCC 2023 और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है आपका TGT एग्जाम से संबंधित, जिसमें से अगर देखेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स वालों का एक शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों नोटिस जो है दोस्तों, इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखिए एडिशनल रिजेक्शन लिस्ट जो है, यदि इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं ये है आपका झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, और उसी के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 4/10/2023 को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दिया हुआ है कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसमें विज्ञापन संख्या वगैरह वगैरह चीज दिया हुआ है। आवश्यक सूचना जो 21 सितंबर 2023 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप, यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो 21 सितंबर तक मौका मिला था, जिसमें से अगर देखा जाए तो नोटिस जो था वो 3 नंबर था, जिसमें से बहुत से लोगों को कुछ कुछ त्रुटि रह गया था जिसको फुलफिल करने के लिए कहा गया था एसएससी के द्वारा, बट वो नहीं हो पाया, जिस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अतिरिक्त देख सकते हैं अतिरिक्त आवेदनों को रद्द किया जाता है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं बहुत लोगों का जो कॉज है अगर देखा जाए तो रीजन जिस वजह से रद्द किया गया है, तो देख सकते हैं कतिपय अभ्यर्थियों की अवैधता रद्द की गई है उपक्रम में संबंधित परीक्षा खंड के अतिरिक्त आलोक में। देख सकते हैं समान नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित करने वाले आवेदकों द्वारा अद्यतन अपडेट अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध मानते हुए पूर्व में समर्पित निम्न रजिस्टर संख्या जो है इसको रद्द किया जाता है, जिसमें से अगर देखेंगे तो टोटल 45 यानी टोटल 45 ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों जो कि अगर इसको रिजेक्ट किया गया है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत आवश्यक सूचना संख्या 3 जो कि 21 सितंबर को जारी किया गया था, शेष शर्त जो है यथावत रहेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 45 ऐसे कैंडिडेट है दोस्तों जिन लोगों का जो है वो रिजेक्ट किया गया है झारखंड एसएससी के द्वारा, और ये नगर पालिका सेवा एग्जाम से संबंधित है। और दूसरा नोटिस जो है दोस्तों वो देख सकते हैं नोटिस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑप्टेनिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब आपको जिला चुनने का एक है, जिसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री और सिविक्स वालों के लिए, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं दोस्तों संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, और यह भी नोटिस 4 तारीख को जारी किया गया है। इसमें इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के विशेष लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार जो विकल्प है यानी डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस प्राप्त करने हैं, तो निम्न शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेटों का रोल नंबर जो है दोस्तों देख सकते हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र के कुल 10 ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शंस मिला हुआ है। और साथ ही अगर देखेंगे तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि अगर देखेंगे तो अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिले का विकल्प प्राप्त करने हेतु आयोग के अधिकृत वेबसाइट जो है दिनांक 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लिंक उपलब्ध रहेगा, जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हो प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। अभ्यर्थी आवश्यक सूचना के साथ संलग्न प्रारूप पर जिला का विकल्प अंकित करते हुए उनका स्कैन प्रति आयोग के अधिकृत ईमेल पर है इसमें प्रेषित कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें जो होने के बाद आपको जो एक स्कैन आएगा पीडीएफ टाइप का, उसको आपको झारखंड इसमें ईमेल जो है इस ईमेल पे आपको क्या करना है सेंड कर देना है, प्रेषित कर सकते हैं। संदर्भित विषय में जिन जिलों का रिक्त उपलब्ध है उन्हीं जिलों में से जिलों का प्राथमिकता विकल्प स्वीकार किया जाएगा, जिसमें आपको वैकेंसी का लिए उसी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी के हिसाब से आपको मतलब जिला आपको दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों झारखंड एसएससी के तरफ से दो इंपॉर्टेंट नोटिस जिसके बारे में मैंने बताया। इस प्रकार के और भी जेएसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट हो दोस्तों, अगर उसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।